हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा तिवारी और आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी नॉलेज चैनल पर। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत लास्ट वीडियो में हमने बैंक रेट और रेपो रेट के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर और खुले बाजार की क्रियाओं के बारे में। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो भी हमारा रेपो रेट है उसका जस्ट रिवर्स जो है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। रिवर्स का क्या अर्थ है कि रेपो रेट में हमने पढ़ा था कि आरबीआई जिस दर पर या जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दूसरे बैंक्स को लोन देती है, अल्पकालीन लोन, उसे कहा जा रहा है रेपो रेट, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है कि जो आरबीआई है वो दूसरे बैंक्स से लोन लेता है, ठीक है। दूसरे बैंक से आरबीआई लोन ले रहा है और जिस दर पर ये आरबीआई लोन लेता है दूसरे बैंक से, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब देखिए, जो आरबीआई है वो भी अपने कुछ सिक्योरिटी पेपर्स या कोलैटरल या जमानत इन बैंक्स के पास जमा करता है और उसके बदले में ये अल्पकालीन लोन लेता है। अल्पकालीन लोन की क्या प्रवृत्ति है कि ये ओवरनाइट से लेकर 7 दिन तक हो सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में इस दर का, इसका जो वर्तमान स्थिति है वो है 4.90%। लेकिन लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो रेट्स हैं वो दिसंबर में फिर से रिन्यू होंगे, तो आप उस वाले को पढ़िएगा। यदि दरें अपरिवर्तित रही तब तो ये काम आएंगी और यदि कोई चेंजेस हो रहे हैं तो आप वो वाले को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आरबीआई जो है वो दूसरे बैंक से अल्पकालीन लोन ले रहा है, ठीक है, और उसे कहा, और जिस दर पे ये लोन आरबीआई द्वारा लिया जा रहा है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो देखिए, जब रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है तो इन्फ्लेशन पर क्या असर होता है उसको देख लेते हैं। कि यदि आरबीआई ने इस रेट को, ठीक है, इस दर को बढ़ा दिया तो इन बैंक्स को लाभ होगा, ठीक है, क्योंकि आरबीआई इन बैंक्स द्वारा जो लोन दिया जा रहा है आरबीआई को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इन बैंक्स को लाभ होगा। तो ये बैंक क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो ऋण है या लोन है वो आरबीआई को देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, इन बैंक्स के पास जो उपलब्ध पूंजी है या मुद्रा की मात्रा है उसमें कमी आएगी। तो देखिए, जब इन बैंक्स ने अपना जो ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो आरबीआई को दे दिया है तो इसके पास अब क्या हो रहा है, इसके पास पूंजी की कमी आ गई है। पूंजी की कमी जब आती है तो आम जनता को ये जो बैंक जो पहले ऋण या साख देती थी उसमें कमी आएगी, जिससे लोगों में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो प्रसार है उसमें कमी आएगी। तो लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, उनकी सेविंग्स कम होगी और दूसरे वस्तुओं पर उनका जो व्यय है वो भी कम होगा, ठीक है। तो लोगों के पास पैसे में कमी आएगी तो वो व्यय करना बंद कर देंगे, तो इससे क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है या उनकी जो कीमत बढ़ी हुई है जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं उसमें कमी आएगी, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की स्थिति होती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले सभी रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, चाहे वो बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो या कुछ भी, ठीक है। अब देखिए, यदि स्लो डाउन की स्थिति है या मंदी की स्थिति है या डिफ्लेशन की स्थिति है तो उसमें क्या करता है आरबीआई, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है, ठीक है। जब आरबीआई इस रेट को कम करता है तो जो दूसरे बैंक्स हैं वो आरबीआई को लोन देने से बचेंगे, यानी कि इसको बैंक्स को फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है ना। तो आरबीआई जो है कम रेट पे कर रहा है तो जो दूसरे बैंक्स हैं वो आरबीआई को लोन कम देंगे, उससे क्या होगा, इन बैंक्स में जो भी पूंजी की उपलब्धता है उसमें वृद्धि होगी, ठीक। तो पूंजी की उपलब्धता यदि इन बैंक्स के पास ज्यादा है, मुद्रा अधिक है, तो ये जनता को लोन ज्यादा देंगे जिससे लोगों के पास पैसे आएंगे, उनके सेविंग्स बढ़ेंगे और जो भी वस्तुओं और सेवाओं पर उनका जो व्यय क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, जो मंदी की स्थिति है या जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उससे उबरने का एक रास्ता मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती या मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो आरबीआई द्वारा इस रेट को बढ़ाया जाता है
और जब अवस्फीति या फिर डिफ्लेशन की स्थिति है या मंदी की स्थिति है तो आरबीआई द्वारा इस रेट को कम किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल रेपो रेट की तरह है। बस आप याद रखिएगा कि जो आरबीआई है रिवर्स रेपो रेट की केस में आरबीआई लोन ले रहा है बाकी बैंक्स से। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से कम होता है। ठीक है, क्योंकि जब आरबीआई लोन देता है तो वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहा है, और जब आरबीआई खुद ही लोन ले रहा है तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेता है, है ना। हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो रेपो रेट है वो कितना है, 5.15% है लगभग, और ये जो रिवर्स रेपो रेट है वो 4.90% है। तो यदि आपको प्रीलिम्स में आ रहे हैं ऑप्शन में आपको रिवर्स रेपो रेट पूछा जा रहा है कि रेपो रेट पूछा जा रहा है, क्वेश्चन एक तो ध्यान से पढ़िएगा, दूसरा आप ऑप्शन से भी देखिएगा कि कम क्या है। ठीक है, हमेशा रेपो रेट ज्यादा होता है और रिवर्स रेपो रेट कम होता है। तो ये हुआ रिवर्स रेपो रेट। दूसरा हम देखते हैं एमएसएफ। एमएसएफ का अर्थ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी सीमांत स्थायी सुविधा। तो मई 2011 में आरबीआई ने दूसरे बैंक्स, उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए एक फैसिलिटी बनाया या उनको एक फैसिलिटी दिया, जिससे कि जिसमें क्या होता है कि इन बैंक्स में जो भी कुल जमा है, अभी समझाती हूँ वो कुल जमा किसे कहा जा रहा है, उसका जो 1% है, इतना जो लोन है आरबीआई इनको ओवरनाइट के लिए दे सकता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, कई बार किसी बैंक्स के पास ऐसे भी स्थिति आती है जब उनके पास पूंजी की कमी हो जाती है और उनको विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनको पूंजी की तत्काल आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए आरबीआई ने एक फैसिलिटी दिया, प्रोवाइड किया है, जिसे कहा जाता है एमएसएफ या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके तहत क्या होता है, आरबीआई जो है बैंक्स का जो कुल जमा है उसका 1% ओवरनाइट के लिए इनको लोन देता है। ठीक है, और ये जो एमएसएफ है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, एमएसएफ रेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक रेट के बराबर ही होता है। ठीक है, तो बैंक रेट हमने पढ़ा था कितना है, 5.40% बैंक रेट भी है और इस यही एमएसएफ भी है, एमएसएफ रेट भी है। तो जब मैंने कहा है बैंक का कुल जमा, तो कुल जमा को क्या का क्या अर्थ है वो पहले समझ लेते हैं कि देखिए कोई भी बैंक है उसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो पैसे निकाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए जो पैसे डाले जा रहे हैं, जो भी डिपॉजिट किया जा रहा है वो एक्स है और जितना भी पैसे निकाले जा रहे हैं वो वाई है, तो कुल जमा किसे कहा जाएगा, ये जो एक्स और वाई का जो अंतर है वो इनका क्या हो जाएगा, कुल जमा। ठीक है, कुल जमा। इसको एक तरीके से आप क्या समझ सकते हैं कि ये जो जमा है वो किस प्रकार से हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट है और टाइम लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, एनडीटीएल। तो NDTL यदि लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत होंगे, इसका मतलब ही होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, कि इसमें जितने भी प्रकार के डिमांड डिपॉजिट हैं, डिमांड डिपॉजिट में क्या आ रहे हैं, करेंट डिपॉजिट है या फिर करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, ये सब क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं, कि जिन्होंने भी पैसा इसके अंतर्गत, इन अकाउंट्स के अंतर्गत खाते में जमा किया है जब भी चाहे वो उनको मिल जाएगा। और टाइम लायबिलिटी के अंतर्गत क्या आता है, जो भी एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है या फिर जो रिकरिंग अकाउंट है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, कि इन अकाउंट्स के अंतर्गत जमा किया जाने वाला पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही जो पैसा जमा कर रहा है डिपॉजिटर को वापस मिल पाएगा। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के डिपॉजिट हैं जो जमा किए गए हैं उसमें से, इसे ही मैंने एक्स बोल दिया है यहाँ पर, उसमें से जो भी अमाउंट निकाला जा रहा है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो मिल रहा है उसे कहा जाता है कुल जमा, या इसी कुल जमा को ही एनडीटीएल भी कहा जाता है। एनडीटीएल में एन जो है वो नेट है, नेट का मतलब कुल होता है ना, तो एनडीटीएल बोले या कुल जमा बोले दोनों एक ही है।
तो मान लीजिए किसी भी बैंक में जो एनडीटीएल है वो है कितना, 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ है। तो आरबीआई क्या करेगा, सिर्फ एक रात के लिए, ओवरनाइट के लिए इस 100 करोड़ का 1% यानी क्या हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। इस बैंक को क्या दे सकता है, लोन के रूप में दे सकता है ताकि वो अपने तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और ये जो 1 करोड़ दे रहा है उसमें जो ब्याज की दर है आप कह सकते हैं वो कितना है, 5.40% है, और यही जो रहता है वो बैंक रेट का भी रहता है, ठीक है। तो ये हुआ रिवर्स रेपो रेट और MSR। अब तीसरा हम देखते हैं CRR। तो इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो या फिर नगद आरक्षित अनुपात। तो क्या होता है कि देखिए कोई भी बैंक है उसमें आवश्यक रूप से अपना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो RBI के पास जमा करना पड़ता है, ठीक है, और इसे ही कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। तो इसमें क्या होता है, इसका जो रेट है वो 4% है, ठीक है। तो देखते हैं जैसे कि ये कोई बैंक है उसके पास जितना भी NDTL है या कुल जमा है, ठीक है, जो भी इसका NDTL है उसका जो है वो 4% RBI के पास रखना पड़ता है, कैश के रूप में RBI के पास सुरक्षित रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति आए जब इस बैंक के पास पूंजी की उपलब्धता में कमी हो जाए या उनकी तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाए तो RBI के पास सुरक्षित इनके पैसे काम आ सके। इसलिए निश्चित रूप से RBI के पास 4% इनका जो भी कुल जमा या NDTL है उसका 4% जो है वो RBI के पास सुरक्षित रखना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए बैंक है, इसको RBI के पास रखना पड़ रहा है, ठीक। अब देखिए क्या है, मान लीजिए इसके पास, बैंक के पास जो NDTL है या बैंक का जो कुल जो डिपॉजिट है वो है 100 करोड़, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 100 करोड़ का 4% यानी कि जो 4 करोड़ है वो कैश के फॉर्म में ये जो बैंक है वो RBI के पास रखेगा। अब जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार बढ़ गया है तो RBI क्या करेगा, इस जो रेट है या फिर जो CRR का ये जो अनुपात है 4% का उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अभी देखिए 4% जब इसके पास था तो अभी बैंक को 4 करोड़ मान लीजिए RBI के पास सुरक्षित रखवाना पड़ रहा है। यदि ये जो रेट है वो बढ़ के 5% हो जाए मान लीजिए तो इसका क्या है, 100 करोड़ का 5% यानी कि 5 करोड़ RBI के पास रखवाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, इन बैंक्स के पास जो पूंजी है उसमें कमी आ रही है या मुद्रा की जो उपलब्धता है उसमें कमी आ रही है। तो जब भी इन्फ्लेशन की स्थिति होती है तो RBI इस CRR को बढ़ा देता है ताकि दूसरे जो बैंक्स हैं उनको ज्यादा मात्रा में जो कैश के फॉर्म में ये जो रूप कैश के फॉर्म में जो पैसे हैं वो RBI के पास रखना पड़ रहा है, जिससे इन बैंक्स में क्या हो रहा है, मुद्रा की जो आपूर्ति है उसमें कमी आ रही है। जब इनके पास पैसा खुद ही कम है तो जनता को जो लोन मिल रहा है उसमें कमी आएगी। लोगों के पास जब धन में कमी आएगी तो उनके सेविंग्स कम होंगे, फिर उसके बाद जो दूसरे वस्तुओं और सेवाओं में व्यय कर रहे थे उस क्षमता में कमी आएगी, ठीक है। तो जब वस्तुओं और सेवाओं का जब डिमांड ही कम हो जाएगा तो उनके मूल्य को भी नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जब डिफ्लेशन या स्लोडाउन की स्थिति होती है तो RBI द्वारा ये जो CRR का जो रेट है उसको कम कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो दूसरे बैंक्स हैं उनको कम अमाउंट RBI के पास रखवाना पड़ेगा और इससे क्या होगा, जो दूसरे बैंक्स हैं उनके पास मुद्रा की पर्याप्त उपलब्धता होगी जिससे वो जनता को लोन ज्यादा देगी। लोगों के पास पैसे जब अच्छे से आ जाएंगे या अधिक मात्रा में जब आ जाएंगे तो वस्तुओं और सेवाओं के लिए उनका डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, और इससे वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य था जो कम हो गया था क्योंकि डिमांड नहीं थी पहले अर्थव्यवस्था में, तो डिमांड होने से वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो एक सही स्तर पर आ पाएगा, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए CRR में भी इन्फ्लेशन की स्थिति में जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति में सबको इंक्रीज किया जा रहा है और डिफ्लेशन की स्थिति में, मंदी की स्थिति में सबको कम किया जाएगा, ठीक है। देख लिया CRR क्या होता है। दूसरा है SLR।
SLR का मतलब होता है स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या इसे ही कहा जाता है वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात। तो इसके अंतर्गत ये बोला जा रहा है कि किसी भी बैंक को अपने कुल NDTL का जो ये जो SLR का जो प्रतिशत है उतने बराबर की जो मुद्रा है या फिर उतना जितना भी NDTL है उस मात्रा में उसका जो भी, जैसे कि अभी देखिए SLR का जो 19% है लगभग, ठीक है, तो किसी भी बैंक का जितना भी कुल जमा है NDTL का है उसका 19% अपने खुद के पास ही निश्चित रूप से स्वर्ण या फिर सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिक्विडिटी रेशियो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जितना भी ये प्रतिशत या जितना भी ये रेशियो है उतना को अपने पास रखना पड़ेगा मुद्रा के रूप में, सॉरी गोल्ड के रूप में या फिर सरकारी प्रतिभूति के रूप में। तो एक प्रकार से ये भी सिक्योरिटी ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब भी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी या फिर मुद्रा की उपलब्धता में कमी आएगी तो क्या होगा। देखिए जो SLR है लिक्विडिटी वही तो होती है कि कितने आसानी से एक जो गोल्ड है या सिक्योरिटी पेपर्स है उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो SLR क्या है, जैसे कि देख लीजिए कोई भी बैंक है, ये बैंक का NDTL मान लीजिए फिर से 100 करोड़ ही है। अब 100 करोड़ में से 19% यानी कि जो 19 करोड़ है वो इस बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा स्वर्ण या फिर सरकारी प्रतिभूति के रूप में, ठीक है। जब भी इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी तो ये जो दर है उसको 40% तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात क्या हो रहा है कि जब भी इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो SLR को बढ़ा दिया जाता है। तो पहले 19 करोड़ जो है वो बैंक अपने पास गोल्ड या सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख रहा था, अब उस अगर ये SLR को बढ़ा दिया जाए तो उसको ज़्यादा जो अमाउंट का पैसा है उसको अपने पास रखना पड़ेगा सरकारी प्रतिभूति और गोल्ड के पास, जिससे उसके पास कैश की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा फिर, लोगों को वही जो प्रोसेस हमने देखा है कि लोन कम मिलेंगे, फिर डिमांड कम हो जाएगा, इससे वस्तु और सेवाओं की जो मूल्य जो बढ़े हुए हैं उसमें कमी आएगी। इसी प्रकार से जब SLR को कम कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, बैंक्स के पास कैश ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक को कम मात्रा में गोल्ड और सरकारी प्रतिभूति को अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे उनके पास मुद्रा की आपूर्ति जो है या मुद्रा की उपलब्धता में वृद्धि होगी, जिससे लोगों को अधिक से अधिक लोन मिलेगा। लोगों के पास जब धन आएगा तो क्या होगा, उनका डिमांड बढ़ेगा तो वस्तुओं और सेवाओं की जो प्राइस था, उनका जो मूल्य था, जो मंदी या फिर स्लो डाउन की स्थिति में कम हो गया था उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है, और वो एक सही स्तर पर आ सकेगा। तो ये हुआ CRR और SLR। अब नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रियाएं। तो खुले बाजार की क्रियाएं में क्या होता है, जो भी बैंक्स है और जनता है उनके बीच जो भी सरकारी प्रतिभूतियों का या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स हैं उनका जब आदान प्रदान होता है तो उसे कहा जाता है खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है। तो RBI क्या करता है, सिक्योरिटी पेपर जो भी सरकार है उनके जो सिक्योरिटी पेपर्स या फिर उनके जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उसको सरकार के नाम से RBI अर्थव्यवस्था में उतारता है, ठीक है, और उसको बैंक्स के लिए या फिर जनता के लिए उसको ओपनली रख दिया जाता है कि कोई भी चाहे तो इसका खरीदी बिक्री कर सकता है, ठीक है। तो इन सिक्योरिटी पेपर्स के क्रय और विक्रय से इन्फ्लेशन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। अब देखिए यदि मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन की स्थिति है यानी अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा का प्रसार अधिक है तो RBI क्या करेगा, अधिक से अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में उतारेगा। तो लोग क्या करेंगे, पैसे पे करके उन प्रतिभूतियों को खरीदेंगे जिससे उनके पास पैसे या मुद्रा की मात्रा में कमी आएगी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं के लिए उनका जो डिमांड है उसमें कमी आएगी, जिससे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। उसके जस्ट ऑपोजिट क्या है, जब भी स्लो डाउन की स्थिति है तो RBI जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों को इन खुले बाजार की क्रियाओं या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत कम मात्रा में अर्थव्यवस्था में लाएगा, ठीक है, जिससे लोग या जो दूसरे बैंक्स हैं वो इन्हें कम मात्रा में खरीदेंगे ताकि उनके पास खरीदने में जो पैसे जा रहे थे उनके उसमें बचत होगी,
तो क्या होगा कि लोगों के पास जो पैसे हैं वो बढ़ेंगे, जिससे उनका डिमांड बढ़ेगा और वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो सही स्तर पर आएगा, और जिससे जो स्लो डाउन है वो उस स्थिति को थोड़ा कंपनसेट किया जा सकता है या थोड़ा ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने देख लिया है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, CRR और SLR और खुले बाजार की क्रियाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत किस प्रकार के गुणात्मक उपकरण अपनाए जाते हैं। ठीक है, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वीडियो लाइक करना हमें इंस्पिरेशन देता है, हमें मोटिवेट करता है कि हम अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। और आपका जो कोर्स है, मैं कोशिश करूंगी कि 26 नवंबर को जब नोटिफिकेशन आएगा फिल्म्स का, उसके पहले ही ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो अब वो सारे टाइम चले गए कि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं या फिर आपने इकोनॉमी का सिर्फ करेंट अफेयर को पढ़ लिया और आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो टिपिकल सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए वो तो सभी पढ़ के जाते हैं, लेकिन यदि आपने एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमिक्स को अच्छे से किया हुआ है तो आप बाकी लोगों से मार्क्स के मामले में लीड करेंगे ही। तो आप इस बात को जरूर ध्यान से देखिए कि जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से नोट कर रहे हैं और उसका रिविजन चालू कर दीजिएगा और घटना चक्र से क्वेश्चन चालू कर दीजिए। और जो भी रेट्स हैं या जो भी दरें हैं वो जब रिन्यू हो जाएगी या फिर कुछ भी इंडेक्स आ रहे हैं तो उन सबको बाद में हम इंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।